नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि लॉकडाउन की हर अपडेट आप तक मिले और सेवाएं हैं जो भी है जो लागू की गई है उनका भी आप आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, आज की अपडेट काफ़ी सारी है। 1 अप्रैल से क्या चालू होगा क्या नहीं होगा वो आपको हर प्रकार की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। 1 अप्रैल से भारत में कौन सी सेवाएं चालू होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि राशन ना मिलने के कारण, रोजगार न काम न करने की वजह से लोग अपने घर की ओर निकलने की वजह से, यातायात न मिलने के कारण पैदल ही निकल पड़े हैं। भली 1,000 किलोमीटर हो या 2,000 किलोमीटर हो, बस उनकी लगन सिर्फ एक घर जाने के लिए ही निकल पड़ी है। और हर व्यक्ति आज एक दूसरे को देखते देखते दिल्ली, बिहार, अन्य राज्यों के बॉर्डर पर एक एक करके बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। और राज्यों के मंत्रियों की ने ऐलान किया है कि मजदूरों को एक साथ इकट्ठा ना करें, और इतनी ज़्यादा भीड़ के कारण संक्रमण बहुत अधिक बढ़ भी सकता है और ख़तरा और अधिक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बेकाबू हो गया तो इसको संभालना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इसीलिए सभी राज्यों से बसों और प्राइवेट बसों की इंतजाम किया गया और सारे मजदूरों को अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करवाने के लिए सेवाएं, और राज्यों के बॉर्डरों पर भीड़ अधिक देखते हुए लोगों ने बहुत संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी वजह से राज्यों के मंत्री और केंद्रीय सरकार ने यह बताया गया है कि एक दूसरे के दूर रहने की कोशिश करें और अपने अपनी और सुरक्षा रखें और मुँह पर मास्क बांधे रखें। और इसको भीड़ को देखते हुए अपने घर वापस ना लौटने के कारण उनको अपने ही बस काम पर नहीं है तो इसकी वजह से उनको घर पे भेजना भारत सरकार की जिम्मेवारी है, और उनके लिए बसों का इंतजाम किया गया। और 2 दिन से इन मजदूरों को अपने गांवों की ओर, अपने ग्रामीण ग्रामीण गांवों की ओर उनको भेजा जा रहा है और अपने घर पर भेजा जा रहा है, लेकिन उनकी वजह से बहुत संक्रमण बढ़ भी रहा है और कुछ केसेस सामने भी आए हैं। उसकी वजह से लोगों ने कुछ सावधानियां बरती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वायरस ऐसा है जो फैलने के कारण फैलने बिना नहीं रह पाता है। और वहां पर ग्रामीण सरपंच और ग्रामीण सेवाओं के मुताबिक बताया जा रहा है, जो भी गांव में प्रवेश किए हैं, जो भी लॉकडाउन के बाद जो भी ग्रामीण सेवाओं में या बाहर से कोई दूसरे राज्य से प्रवेश किया है, उन लोगों को अलग 14 दिन के लिए बैठाया जाएगा और 14 अप्रैल तक वहाँ उन लोगों को अलग बैठाया जाएगा और उनको खाने पीने की हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी और पूरी तरह से जांच की जाएगी। उसके बाद ही उनको 14 अप्रैल के बाद उनको घर भेजा जाएगा। साथ ही साथ एक अपडेट और आई है दोस्तों, बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की दिनांक निर्धारित यही है, आगे नहीं बढ़ेगी। और ये गरीब लोगों को ये खुशखबरी आपको भी है कि इसकी लॉकडाउन की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि अन्य चैनलों पर बताया जा रहा है कि 90 दिन की अवधि के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है दोस्तों। ये अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बाकी भी जो भी सेवाएं, किसी भी प्रकार की सेवा, आना जाना, गाड़ी वगैरह, धंधा, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी धंधा काम कर रहा है, 14 अप्रैल के बाद सारी सेवाएँ चालू होगी। और हमारा कहना, सरकार का कहना है कि आप जितना हो सके आप एक दूसरे से दूर रहिए और बाहर कहीं भी जाएं और आएं तो हाथ जरूर धोएं। इसकी वजह से संक्रमण नहीं बढ़ेगा और कहीं होगा तो भी नहीं बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने का साधन बनाइए। पेटीएम है, गूगल पे है, UPI है, हर इस प्रकार के पेमेंट पे के लिए और संक्रमण होने से बचिए। लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम धाम सब कुछ बंद हो चुके हैं, उसकी वजह से लोग अपना नया बिजनेस चालू करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी और इन दिनों में लोगों को पैसे न मिलने के कारण लोगों को तकलीफ भी हो पा रही है। और बैंक ने बताया जा रहा है कि सरकारी जो भी बैंक है वो लोन आसानी रूप से दे पाएगी, ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होगी और छोटा लोन किसी भी रूप से आपको दे सकते हैं। और जो भी ब्याज दर है उनकी 0% कम से कम लेने की कोशिश करेंगे और आप तक यह लोन मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ एक अपडेट और आई है दोस्तों, जिनके जानना आपके लिए बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताया जा रहा है कि जो भी सेवाएं इन दिनों में भीड़ की वजह से जो भी बसें कुछ भी प्रकार की सेवाएं चालू की गई थी यातायात की, वो सारी 1 अप्रैल के बाद सब कुछ बंद हो जाएगी। और अदम यातायात के जो भी साधन चालू किए गए थे वो सारे बंद किए जाएंगे। रोडवे जो भी चालू की गई थी, बॉर्डर पर पहुँचने की जो भी सेवाएँ थी यातायात की, सारी बंद की गई है। और लॉकडाउन
की शक्ति और अधिक बढ़ाई गई है कि लोग इधर उधर ना जाएं और अपने घर ही बैठें। दोस्तों इसकी वजह से मामले अधिक बढ़ गए हैं, भीड़ भाड़ की वजह से लोगों ने, और चेक कराना भी घर में जाके बैठ गए, उसकी वजह से संक्रमण बढ़ने का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इसीलिए आप केवल केवल सिर्फ 14 अप्रैल तक अपने घर तक बैठे रहिए। कुछ सेवाएं हैं जो उनका आनंद लीजिए, वरना घर में रहना आपके लिए ही सही होगा दोस्तों। साथ ही साथ एक अपडेट और आई है दोस्तों, जिनको जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप जो भी दोस्तों लॉकडाउन के बाद अवधि जाना बताया गया है कि लॉकडाउन की अवधि अधिक इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से सारी सेवाएं 14 अप्रैल के बाद नियमित रूप से सारी सेवाएं चालू होगी। दोस्तों अपडेट यह है कि 14 अप्रैल के बाद जो भी यातायात के साधन चालू होंगे, जैसे कि रेलवे है या फ्लाइट है या प्राइवेट बसें, सरकारी बसें जो भी हैं, उनका किराया है उनकी उनके में कटौती होगी। और उनके बाद क्योंकि लोग अपने घर की ओर ज़्यादा गए हैं और एक साथ अपने काम पर आने की वजह से एक साथ बढ़ेंगे, इसकी वजह से जो भी किराया था उनमें कटौती होगी। और साथ ही साथ एक अपडेट और आया दोस्तों, और जो भी 1 अप्रैल के बाद चालू होने वाली सेवाएं हैं उनको जानना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी मदद मिल पाएगी। दोस्तों जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जो भी खाद्य पदार्थ लॉकडाउन की वजह से ट्रकों को जहाँ थे वहीं पे रोक दिया गया था, उन ट्रकों को 1 अप्रैल के बाद वापस निर्धारित रूप से चालू कर दिया गया है और उनको सड़कों पर चलने के लिए परमिशन दे दी गई है। और जल्द से जल्द खाद्य पदार्थ को जहाँ पहुँचाना है उसकी जगह पर सही जगह पहुँच जाए, और जो भी दुकानदार खाद्य पदार्थ की कमी की वजह से जो भी दुकानदार अपनी खाद्य पदार्थ की रेटें को बढ़ोतरी दे रहे हैं और उनकी वजह से लोगों को, आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से लॉकडाउन के बाद ट्रकों को जहाँ रोक दिया था उन लोगों को ट्रकों को वापस चलाना शुरू कर दिया गया है, और ट्रकों को खाद्य पदार्थ की जो भी ज़्यादा ज़रूरी वाली सामान है उनको वापस चालू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत मदद मिलेगी और खाद्य पदार्थ में जो भी खाने पीने की सेवाएं हैं उनको चालू रखने का ऐलान। दोस्तों इन दिनों में पता लग रहा है कि जो मोदी ने भारत देश हित के लिए जो भी फैसला लिया था लॉकडाउन का 21 दिन का, वो एकदम सही लिया। जो दोस्तों इन लॉकडाउन की इतने दिनों के बाद भी लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी हद तक कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक काबू कर लिया है, और लग रहा है कि 14 तारीख तक काफ़ी हद तक इनको काबू में ले लिया जाएगा और काफ़ी हद तक इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से फैसला लिया है कि लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद 14 अप्रैल के बाद सभी प्रकार की सेवाएं चालू होगी और सारी सेवाओं का आप आनंद उठा पाएंगे। हर ऑफिस, हर प्रकार की जो भी लॉकडाउन के वजह से सारे काम काम जो भी रुके हुए थे वो चालू हो जाएंगे। और एक अपडेट और है दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने बताया गया है कि बोर्ड परीक्षाएं थी 12वीं, 10वीं, 8वीं, 5वीं, वो सबकी परीक्षाएं जो भी बीच में रुकी हुई थी उसका भी तिथि निर्धारित की जाएगी और 14 अप्रैल के बाद वो भी निर्धारित रूप से चालू हो जाएगी और इनकी निर्धारित तारीख जल्दी ही आपके सामने होगी। और दोस्तों देखा जाए तो लॉकडाउन के दिनों में सोना चांदी में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और लॉकडाउन के बाद वापस चालू होने के बाद क्या गिरावट होगी या बढ़ोतरी होगी वो क्या नहीं जाता, लेकिन लॉकडाउन के इतने दिनों में हर प्रतिदिन गिरावट आ रही है, और प्रतिदिन गिरावट की वजह से आज लगभग 1900 रुपये गिरावट आ गई है। तो दोस्तों लग रहा है कि वापस लॉकडाउन खुलने के बाद 14 अप्रैल के बाद भाव की सोने चांदी की भाव अधिक बढ़ोतरी हो सकता है। दोस्तों ऐसी इस मुश्किल घड़ी में लोग बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, और इस परिस्थिति में जो दान देना चाहे वो दान दे सकता है, और लोगों ने भी दिल खोल के दान देना शुरू कर दिया है, और बड़ी बड़ी हस्तियां भी करोड़ों रुपए दान दे रहे हैं। दोस्तों रतन टाटा ने भी 1500 करोड़ रुपए दान दिए हैं, और पेटीएम कंपनी के चेयरमैन ने भी 500 करोड़ दिए हैं, और मुकेश अंबानी भी 500 से अधिक करोड़ रुपए दिए हैं, और अपने जितना हो सके सेवा भी दी है, और आर्थिक खाने पीने की भी व्यवस्था की है, और गौतम अडाड़ी ने भी 100 करोड़ देने का फैसला किया है, और रेलवे मंत्री ने भी 5100 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। दोस्तों साथ ही साथ और बॉलीवुड और साउथ के हीरो ने भी काफ़ी मदद की है, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ और प्रभास ने 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, और साथ ही साथ वरुण धवल ने भी 50 लाख रुपए देने का
ऐलान किया है और लग रहा है कि इस परिस्थिति में काफ़ी बड़ी राशि इकट्ठी हो जाएगी और आर्थिक मदद के लिए गरीब लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और परिवारों को, मजदूरों को, जो भी भूखे प्यासे बैठे हैं और जो भी इस स्थिति में जो पैदल निकले हैं उनकी सेवा के लिए भी खाने पीने की इंतज़ाम किया है और हर प्रकार की जितनी हो सके दवाइयाँ खाना पीना फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं और इस वीडियो के ज़रिए आपको जो भी जानकारी मिली है आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस कोरोना वायरस के मामले में या इसी कोरोना लॉकडाउन की वजह से कोई तकलीफ है इसके बारे में कोई भी आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। जय हिंद।